नमस्कार। एशिया में सबसे लंबे व्यक्ति का खिताब पाना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना बड़े गर्व की बात होती है, लेकिन वहीं सबसे लंबा होना ही जीवन के लिए दुखदाई हो जाए तो जीवन बिताना बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें कोरोना काल के आने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो जाना तो जीवन और भी मुश्किल भरा हो जाता है। अब तो सरकार से आर्थिक स्थिति में सुधार हो इसकी आस लगाकर बैठा है एशिया के सबसे लंबा व्यक्ति। जी हाँ, प्रतापगढ़ के कोहंडौर एरिया के कसियाही गांव में 45 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, जो 8 फुट 1 इंच के हैं। इस कारण उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब मिला। जिंदगी फिर दौड़ पड़ती है, हर कोई उन्हें बुलाने लग जाता है, जिससे उन्हें एक रोजगार मिल गया। आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधर जाती है, लेकिन ज़्यादा लंबाई होने के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ज़्यादा लंबा होने के कारण एक तरफ जहां शादी नहीं हो पा रही है, वहीं कपड़े चप्पल किसी गाड़ी में बैठना जैसी बहुत सी समस्याएँ रहती हैं। फिर भी जीवन से लड़ते हुए शायद आगे सब अच्छा हो जाएगा यह सोचकर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। कोरोना काल में एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, वहीं 45 वर्ष की आयु हो गई लेकिन उनकी शादी आज तक नहीं हो पाई, क्योंकि उनका ज़्यादा लंबा होना ही उनके लिए अभिशाप बन गया है। अब तो उन्हें सिर्फ सरकार का सहारा रह गया है कि सरकार उनकी सुने और उनकी मदद करे। सुनिए दर्द भरी दास्तां एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र की जुबानी। धर्मेंद्र जी, आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस साल में मिला था आपको? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2007 में करीब। अच्छा, आप कहाँ कहाँ पर, किन किन देशों में आप गए हैं? मैं मतलब देश के बाहर नेपाल चीन वगैरह गया हूँ, और अपने देश के अंदर ही जहाँ भी मुझे बुला होता था काम के लिए मैं वहाँ जाता था। अच्छा, आपकी इस समय कितनी लंबाई, समय क्या आप ऐसा भी कुछ है कि आप एशिया में क्या करें सबसे लंबे व्यक्ति हैं? बिल्कुल, एशिया में सबसे लंबे व्यक्ति हैं और भारत में तो है ही हैं। अच्छा, क्या इस लंबाई से आपको क्या क्या समस्याएँ क्या होती हैं? लंबाई से बहुत सारी समस्याएँ हैं, और मेरे लिए जैसे कोई भी कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, बिस्तर हैं, ये सब मेरे नाप का नहीं मिल पाता। कोई गाड़ी मेरे नाप की नहीं है कि सीट पे बैठ जाऊँ मैं, एडजस्ट हो जाऊँ। और बाइक वगैरह चलाने में अब नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो लंबाई से बहुत सारी मतलब ऐसी समस्या है कि जो आप आम लोग करते हैं वो मैं नहीं कर पाता। तो ट्रेवल कैसे करते हैं धर्मेंद्र जी? ट्रेवल है या तो गाड़ी से करता हूँ, या तो ट्रेन बस प्लेन, मतलब जो भी वाहन मिलता है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। शादी आपकी अब तक हुई या नहीं हुई? शादी अभी तक नहीं हुई है। शादी लंबाई की वजह से शादी अभी मेरी नहीं हुई है, और अब तो उम्र भी हो गई है, अब शादी का कोई ऐसा मतलब इरादा नहीं है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे अपने लिए? गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ व्यवस्था करे, कोई योजना बनाए, या पेंशन योजना, या कोई योगदान दे, सहयोग करे, और मेरे जीवन के लिए, मेरे लाइफ के लिए कुछ ऐसा करे कि मेरा आराम से बीत जाए। और काफ़ी कुछ हेल्थ के लिए मतलब कुछ ऐसा घोषणा करे कि जिससे हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहे। और गवर्नमेंट से भी है कि मुझे आर्थिक रूप से, अभी मैं काफ़ी कोरोना की वजह से भी काफ़ी दिन से घर पे बैठा हूँ, तो आर्थिक समस्या है मेरे साथ। क्या शुभ नाम आपका? धर्मेंद्र प्रताप सिंह।